हिमाचल में हवाई सेवा के विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं पर केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने माना कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई सेवा विस्तार जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा फ्लाइटें गग्गल एयरपोर्ट पर आती हैं, इसलिए गग्गल एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रयास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि विस्तारीकरण के मुद्दे को लेकर 15वें वित्त आयोग चेयरमैन से भी व्यक्तिगत मांग की है। हिमाचल में हवाई सेवा के विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं पर केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने माना कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई सेवा विस्तार जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा फ्लाइट गग्गल एयरपोर्ट पर आती है, इसलिए गग्गल एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रयास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि विस्तारीकरण के मुद्दे को लेकर 15वें वित्त आयोग चेयरमैन से भी व्यक्तिगत मांग की गई है। मैं दो बातें आपसे कहूं, अगर आज के समय में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा फ्लाइट्स कहीं पर आती, धर्मशाला में आती हैं, वहीं पर शिमला और कुल्लू वाले एयरपोर्ट पर जमीन की कमी के कारण उसका विस्तार नहीं हो पाता, तो आवश्यकता बड़े एयरपोर्ट की भी है। राज्य की सरकार तय करे कहां पर नए और बड़े एयरपोर्ट बन सकते हैं, वहीं पर पुराने तीनों एयरपोर्ट में से किसी के बड़े होने की संभावना है तो धर्मशाला की है। हमने 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन से मिलकर भी ये मांग रखी है, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी रखी है कि धर्मशाला के एक्सपेंशन के लिए भी और नए एयरपोर्ट के लिए मंडी के लिए भी पैसा अपने प्रावधान में वो करके दें, ताकि भविष्य में केंद्र सरकार उसमें मदद कर सके। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर दौरे के दूसरे दिन बारी पंचायत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर को पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा शॉल टोपी और स्मृति चिन्ह देकर भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा, जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा, बीजेपी मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा, मंडलाध्यक्ष सुजानपुर बीरेंद्र ठाकुर मौजूद रहे। युवा नेतृत्व को उन्नति कर रहा है, एक स्मृति चिन्ह भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में आय को बढ़ाना बड़ी चुनौती बन गया है और इसके लिए सरकार को प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को विशेष राज्य का दर्जा वापस कर पूरा सहयोग किया है। देखिए, हिमाचल के सामने अपनी आय को बढ़ाना भी एक चुनौती है और इस दिशा में सरकार काम कर रही है। अगर इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव करवाया गया तो उससे हजारों करोड़ रुपए के निवेश हो, उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं और केंद्र की सरकार ने भी हिमाचल को बहुत सहयोग किया, विशेष राज्य का दर्जा वापस दिया, जिससे अब हिमाचल को अपना पैसा कम डालना पड़ता है, केंद्र सरकार का पैसा ज़्यादा आता है। पहले 60-40 की रेशो थी, अब 10-90 की रेशो हो गई है, केवल 10% पैसा हिमाचल को देना पड़ता है। 14वें वित्त आयोग में हमने 13वें वित्त आयोग के मुकाबले दुगने से ज़्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश को दिया और इस साल भी 19,309 करोड़ रुपया हिमाचल को केंद्र की ओर से मिलेगा, जिसमें 11,431 करोड़ रुपया केवल रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, जो हिमाचल की एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखेंगे तो 5600 करोड़ रुपया उत्तराखंड को मिलेगा, 7500 करोड़ के लगभग पंजाब को मिलेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश को 11,431 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में मिलेगा। भी केंद्र की मदद के बावजूद हमीरपुर की रेल लाइन योजना पर प्रदेश सरकार द्वारा हाथ पीछे खींचने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के हर जिले के लिए बराबर बजट मुहैया करवाया जा रहा है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में सरकार हमीरपुर रेल प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से के अनुपात विचार कर बजट मुहैया करवाएगी, ताकि रेल लाइन का विस्तार हो सके। उस पे हो सकता है, क्योंकि राज्य के सभी जिलों का ध्यान राज्य की सरकार को रखना होता है। निश्चित तौर पर भविष्य में जब कई तरह के तरीके होते हैं, 10% 25% 50% कितना योगदान दे सकते हैं, उस समय समय पर निर्णय किए जाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है राज्य की सरकार उस दिशा में भी देखेगी, क्योंकि आय कम है राज्य की, इसलिए मुश्किलें भी हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां तक रेलवे लाइन की बात है, राज्य की सरकार भी सकारात्मक रुख उस पे लेगी और कुछ भी इनका हिस्सा आता है तो बाकी हिस्सा केंद्र सरकार की ओर से हम करवा कर देंगे, ताकि हमीरपुर को रेलवे लाइन मिले। इसी के लिए ही जल्द टेंडर होंगे, ताकि इसके रखरखाव पर
काम हो सके, क्योंकि इस सड़क को वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में डालने के प्रयास थे और यही कारण है कि हमीरपुर से लेकर मंडी तक ये चौड़ी भी हो, अच्छी भी हो, लोगों को सुविधा मिले, लैंड एक्विजिशन का कार्य शुरू हो, यहाँ तक कि उससे पहले इसके रखरखाव के लिए भी संबंधित अधिकारियों को कहा गया है कि यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती है, उस दिशा में भी वो कदम उठा रहे हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।